रोहतक में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कहा राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 5 साल में 5 करोड़ रोजगार कम हो गए। GST के नाम पर छोटे व्यापारी और नोटबंदी के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ दी। ऊपर से कहा कि देशवासियों परेशान न हो, लाइन में देश के लिए खड़े हो रहे हैं। प्रियंका मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के लिए 3.5 घंटे रोड शो निकालने के बाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक अप्रोच रोड पर लोगों को संबोधित कर रही थी। प्रियंका ने कहा कि मैं 3 माह पहले राजनीति में आई, नकारात्मक और झूठा प्रचार देखकर मन दुखी होता है। ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे 5 साल में कितना विकास हो गया, 60 साल कुछ ही नहीं है। नोटबंदी से दिखी आपकी पीड़ा को देशभक्ति का नाम दिया गया। नोटबंदी की वजह से 50 लाख नौकरी गायब हो गई। 5 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा बताए 5 साल में 5 करोड़ रोजगार के अवसर क्यों कम हो गए। 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान दिल्ली पैदल चलकर आए लेकिन मोदी उनके लिए 5 मिनट का समय तक नहीं निकाल सके। अब सब याद आ गए हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांग मोदी बताए ये किस तरह का राष्ट्रवाद है। वहीं रात करीब 9 बजे प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी के साथ सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना हो गई। हालांकि हिसार से रोहतक हेलीकॉप्टर से आई थी। रोहतक से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।